आप सभी का बाला की रसोई YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल थाली तैयार करेंगे, तो आइए नवरात्रि स्पेशल थाली तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। ये हमारे पास एक कटोरी साबूदाना है, इसको हमने भिगो लिया था। ये वाली हमने छोटी कटोरी साबूदाना लिया है और ये भिगोने के बाद डबल हो गया है। और ये एक टमाटर लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। और एक बड़ा आलू लिया है, इसको भी हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने खूब सारा धनिया लिया है, जीरा लिया है और आधा नींबू का रस। और ये थोड़ी सी मूंगफली ली है और सेंधा नमक, काली मिर्च हमने चौथाई चम्मच ली है, नमक अपने स्वाद अनुसार लिया है। और एक हरी मिर्च ली है, इसको हमने टुकड़ों में कट लिया है। और चार पांच हमने कड़ी पत्ता लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक सॉस पैन रख दिया है, इसमें मैं एक चम्मच देसी घी डालूंगी। आप चाहे ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारी मूंगफली भुनने लगी है, मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब मैं इनको एक कटोरी में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी और मैं कड़ी पत्ता डाल दूंगी और आलू भी मैं इसके साथ में डाल दूंगी। मैंने सबसे पहले आलू डाले हैं, टमाटर मैं बाद में डालूंगी, थोड़े से आलू मेरे फ्राई हो जाएंगे। ये आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, आलू को मैं एक साइड में कर देती हूँ और एक साइड में मैं टमाटर डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये नमक और काली मिर्च और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे आलू के साथ ही मिक्स कर दूंगी, क्योंकि हमने पहले आलू उबाले हुए थे, तब से आलू वाली हमने फ्राई कर लिए हैं। थोड़ा सा भून लूंगी। अब मैं इसमें ये साबूदाना ऐड कर दूंगी। ये मैंने साबूदाना एक घंटे पहले ही भिगो लिया था और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। और साथ ही मैं इसमें नींबू का रस भी डाल दूंगी। ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और इसे मैं एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही भूनूंगी। और साथ ही मैं थोड़ी सी इसमें मूंगफली ऐड कर दूंगी। ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम कटोरी को एक साइड में रख देंगे। पकोड़े बनाएंगे। ये हमने एक आलू लिया है, इसको हमने इस प्रकार से बारीक कट कर लिया है। और ये हमने कुट्टू का आटा लिया है एक कटोरी, और हरा धनिया, और ये कुछ हमने मसाले लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, जीरा चौथाई चम्मच, एक हरी मिर्च काट कट कर ली है और काली मिर्च ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हमने कुट्टू का आटा डाल दिया है। हमने एक साइड में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम कुट्टू के आटे के पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसमें ये मसाले भी ऐड कर देते हैं। पानी की मदद से पेस्ट तैयार कर लेंगे हम इसका। इसे हमें पकोड़े का घोल तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, इसे हमने मीडियम ही रखना है। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है घुल के। और ये मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है।
और इधर हमारा भी गरम हो चुका है। एक एक करके इस पेस्ट के अंदर आलू को डिप करूंगी, पकोड़ा फ्राई कर लूंगी मैं। इसी प्रकार से मैं अपने पकोड़े फ्राई करके तैयार कर लूंगी। अब हम इन पकोड़ों की साइड चेंज कर लेंगे। ये हमारे पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखो कितने अच्छे से हमारे पकोड़े बने हैं, दोनों साइड से सिक गए हैं बढ़िया से। और मैं इसे प्लेट में सर्व कर लूंगी। ये वाले पकोड़े भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी और ये पकोड़ों को भी निकाल लूंगी। ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन पकोड़ों को भी एक साइड में रख दूंगी। अब हम बनाएंगे चटनी। ये हमने हरा धनिया लिया है, इसको मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। ये धनिया को मैंने धो लिया था अच्छे से। मैंने मूंगफली भुनी हुई थोड़ी सी बचा ली थी, अब मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही मैं आधे नींबू का रस भी डाल दूंगी इसके अंदर। नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। एक में हरी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी एक घूंट के आसपास। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। इधर ये हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूंगी। अब बनाएंगे हम फ्रूट क्रीम। ये मैंने मलाई से फ्रूट क्रीम बनाऊंगी। ये मैंने मलाई ली है, ये लगभग एक कटोरी के आसपास ली है। इसको मैं थोड़ा सा बीट कर लूंगी। ये हमारी मलाई अच्छे से बीट हो चुकी है, मलाई बीट हो चुकी है। और मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दूंगी और एक चम्मच के आसपास मैं इसमें बूरा डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये मैंने कुछ फ्रूट लिए हैं, अनार, ग्रेप्स, बनाना और एप्पल। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रूट ले सकते हो। और अब मैं इसमें ये फ्रूट ऐड कर दूंगी सारे। और अब मैं इसमें ये अनार के दाने डाल देती हूँ। फ्रूट क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, इसे भी मैं एक साइड में रख दूंगी। मैंने ये फ्रूट क्रीम रखी है, मैं चटनी रखूंगी और पकोड़े रखूंगी ये कुट्टू के आटे के। और मैंने साबुदाने की खिचड़ी भी रख दी है इसमें। ये हमारे नवरात्रे की व्रत की थाली तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।